मैं योगेश कपूरवान प्रॉपर्टी 2050 में आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोठी लेके आया हूँ जो कि गेटेड सोसाइटी में है, सेंट्रल लोकेशन में अवेलेबल है और सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे नियर बाई में मिल जाती हैं। आसपास घर बने हुए काफ़ी सारी फैमिलीज ऑलरेडी रहती हैं तो एक डेवलप सोसाइटी आपको ये मिल जाती है। अभी मैं इस प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हूँ, इंडिपेंडेंट हाउस है, इसमें ज़मीन भी अपनी है, छत भी अपनी है, मैं इसको कोठी बोलूँगा, बड़े साइज़ की है, 8 बेडरूम कोठी है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा कोई भी शॉट, इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है दोस्तों और बजट फ्रेंडली, मैं इसको बजट फ्रेंडली बोलूँगा, एक अच्छे प्राइस में आपको ये मिल रही है और आप आइए विज़िट कीजिए, सारी चीज़ों को देखिए। इस वीडियो में कंप्लीट एक टूर देने वाला हूँ आपको, सोसाइटी देखिए पूरी डेवलप है, रोडें पक्की हैं यहाँ पर और एक सिक्योर्ड मैं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर 24/7 आपको गार्ड देखने को मिलेंगे, गार्ड भैया गेट पर ही बैठे रहते हैं। ओनर ने बहुत अच्छी डेवलप की है, ओनर फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। इस प्रॉपर्टी में रेंटल भी बहुत अच्छा है, अगर आप रेंटल देखेंगे तो रेंटल बहुत अच्छा जनरेट कर रहे हैं, लगभग खुद भी रह रहे हैं और 36,000 रुपीज़ के आसपास इसमें अभी रेंटल मिल जाता है, तो आप चाहें तो उसी रेंटल को कंटिन्यू करवा सकते हैं। इसमें 3 बेडरूम सेट नीचे मिलता है, 3 बेडरूम सेट फर्स्ट फ्लोर पर मिलता है और 2 बेडरूम आपको ऊपर मिल जाते हैं, तो आप ऊपर भी पूरा कवर कर सकते हैं, तो आराम से आप 3 फ्लोर इसमें बना सकते हैं। चौड़ी सड़कें हैं, आप देख सकते हो कि इस तरीके की सोसाइटी डेवलप हो रखी है पूरी। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा तो आसमान भी आपको पूरा साफ देखने को मिलेगा, है ना, ग्रीनरी भी है आसपास, लोगों ने पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं। 2 गाड़ियों की पार्किंग आपको मिल जाती है, बाकी 4-5 2 व्हीलर्स आप लगा सकते हैं, बाकी लाइट पानी सभी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं इस प्रॉपर्टी में। अब ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितना खुला स्पेस है, यहाँ पर आप टी कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं शाम के टाइम पर, और पूरा स्ट्रक्चर बीम कॉलम बेस्ड स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है इस प्रॉपर्टी का। जैसा स्ट्रक्चर ऊपर देख रहे हैं वैसी एज इट इज़ आपको नीचे भी मिलता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी चारों तरफ से खुली छोड़ रखी है, इस तरफ से भी जैसे गैलरी दिख रही है, पूरी बैक साइड तक आपको ऐसी खुली स्पेस चारों तरफ मिलने वाली है पूरी प्रॉपर्टी के, तो आप इजीली पेंट कुछ क्लीनिंग करनी हो तो सब कुछ आप कर सकते हैं। आइए अंदर दिखाते हैं आपको। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये वाला स्पेस इसका ड्राॅइंग स्पेस है दोस्तों, काफ़ी खुला खुला इसको बनाया गया है, इसमें ड्राॅइंग और डाइनिंग दोनों सेपरेट छोड़ रखे हैं और टोटल वुड का काम आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी में। इसमें कई सारी चीज़ें ओनर छोड़ेंगे जैसे लाइट फ़ैन हो गए, उसके अलावा गीज़र फिटेड हैं तो वो सब चीज़ें छूटने वाली हैं। ये वाला स्पेस आपका ड्राइंग स्पेस है, खुला स्पेस है दोस्तों ये, हालांकि आपका काम तो वहीं से चल सकता है, जो डाइनिंग स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है तो इसको आप सेपरेट बेडरूम या स्टडी स्पेस भी बना सकते हैं। इधर भी आपको विंडो मिलती है और सामने भी आपको विंडो मिल जाती है, तो खुली प्रॉपर्टी है, मैं बोलूँगा इसको वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप एक सीरियस बायर हैं, अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी चाहते हैं एक अच्छे प्राइस में, अच्छी कॉलोनीज़ में, लोकेशन GMS रोड पे है इसकी और गेटेड कॉलोनी है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे हमने फ्रंट का पूरी कॉलोनी का दिखाया आपको लेकिन फ्रंट व्यू नहीं दिखाया प्रॉपर्टी का वीडियो में, तो एक्चुअली इसमें एक ग्राउंड फ्लोर पर एक्चुअली स्कूल है नीचे, आप देखोगे तो एक स्कूल, जब आप विज़िट करने आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बनाई भी बहुत अच्छी है, मेनटेन भी बहुत अच्छी की हुई है, तो आप चाहते हैं तो उस स्कूल को भी आप कंटिन्यू करवा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो खाली कर दे तो वो भी पॉसिबिलिटी आपको ओपन हो जाती है, तो सारी चीज़ें इसमें ओपन हैं, बाकी सारी डिटेल्स जब आप आएंगे तो डिस्कस करेंगे। ये वाला इसका डाइनिंग स्पेस है, आप देख सकते हैं कितना खुला स्पेस है ये वाला भी, इसमें ऑलरेडी सोफे लगाए हैं तो इसमें आप ये डाइनिंग सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है। इसके साथ में एक कॉमन वॉशरूम आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ है, उधर एक विंडो मिलती है और मेन एंट्री आपको ईस्ट में मिल जाती है, तो वास्तु का भी ध्यान रखा है, इधर एक मंदिर भी दिया हुआ है। बाकी दोस्तों बहुत अच्छी है प्रॉपर्टी, मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी क्योंकि मेंटेन की हुई है और इंडिपेंडेंट घर है, 311 गज ज़मीन है, 40x70 के डायमेंशन है और सिंगल ओनर रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अप्रूवल्स भी जितने लगते हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये वाला किचन का स्पेस है और इधर वॉशिंग एरिया सेपरेट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, हालाँकि आंटी जी ने उसको स्टोर बनाया हुआ है। ओवरऑल आप देखेंगे तो किचन एक डिसेंट साइज़ का किचन है और ईस्ट डायरेक्शन में आपको किचन मिल जाता है। तो ये है इस प्रॉपर्टी का डाइनिंग सेक्शन, उधर आपने देखा ड्राइंग स्पेस जो ये वाला स्पेस है, मैं इसी की बात कर रहा था, इसमें आप डोर लगा के कोई पार्टीशन लगा के स्टडी या फिर बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको उतनी रिक्वायरमेंट है बेडरूम्स की, तो अदरवाइज़ आपका काम यहीं से चलने वाला है। अब ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है, एक पैसेज दिया हुआ है जो कि आपको इस बेडरूम तक लेके जाएगा, फर्स्ट बेडरूम तक। ये बेडरूम से आगे आपको बालकनी का स्पेस कनेक्टेड है इसमें और ये है बेडरूम, इधर भी आपको वार्डरोब मिलती है। इसमें 2 AC लगाए हुए हैं ओनर ने, तो वो लेके भी जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि किस प्राइस में उनकी प्रॉपर्टी सेल होती है, और अपने साथ भी यहाँ छोड़ सकते हैं।
इधर एक टीवी फिटेड है, बाकी आप वॉशरूम देख सकते हैं, इसमें मशीन भी रखी हुई है। इसमें वॉशरूम साइजेस बहुत बड़े हैं, आप देखोगे तो इस वॉशरूम में आपको वेस्टर्न सीट मिलती है और मिक्सर लगाया हुआ गीज़र भी फिटेड है इस वाले वॉशरूम में। बाकी आप सामने देखेंगे तो आपको सामने की तरफ जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो मेरे ठीक इधर लेफ्ट में आपको 2 बेडरूम सेट मिलते हैं, मतलब टोटल 3 वॉशरूम आपको इस वाले फ्लोर पे मिलेंगे। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम कॉमन प्लस अटैच्ड, इधर कॉमन भी है और इसके साथ में बेडरूम के साथ में अटैच्ड भी आपको मिल जाता है। इसके साथ ही इधर मंदिर का स्पेस है, तो मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बाकी यहाँ पे एक डेकोरेटिव बुद्धा की एक मूर्ति लगाई हुई है। अब आप बहुत देर से गौर कर रहे होंगे कि आपको ये चीज़ दिख रही होगी वुड की, ये रियल वुड है, पाइन वुड का ये पूरा काम कराया हुआ है ओनर ने, ये एज इट इज़ इसी प्रॉपर्टी में आपको मिलने वाला है, ये वो अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, निकाल के नहीं जाएंगे, यहीं छूटने वाला है। तो ये भी एक्स्ट्रा वर्क इसमें कराया गया है डेकोरेशन के लिए। वो एक दूसरी लोकेशन पे मूव कर रहे हैं, इस वजह से इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं। कई लोग पूछ रहे होंगे कि यार क्या रीज़न है, इतनी सुंदर प्रॉपर्टी क्यों सेल कर रहे हैं। इस वाले बेडरूम पे भी आपको वही पैनलिंग का ऑप्शन मिलेगा इधर, और ये है बेडरूम। बेडरूम साइजेस भी बहुत अच्छे हैं इसमें, आराम से बेड लगाने के बाद आपको खुला स्पेस मिल जाता है। बाकी इधर इसमें भी आपको डबल साइड विंडो मिलती है, विंडो देखो इसीलिए दी जाती है ताकि आपका प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और पीछे जगह छोड़ रखी है तभी विंडो देने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ओपन हुई है। तो बैक साइड, लेफ्ट, राइट, फ्रंट सब जगह से ये प्रॉपर्टी आपको ओपन मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ से जो मेन सड़क है GMS रोड, लगभग 350 मीटर की एरियल डिस्टेंस पे आपको मेन सड़क मिल जाएगी, 300 से 350 मीटर। और गेटेड सोसाइटी होने के एक अच्छा एडवांटेज ये है कि इस प्रॉपर्टी में आप आसानी से रह सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं। इधर आपको एक बड़ा वॉशरूम मिलता है, मैंने तो कई सारे बेडरूम ही इतने बड़े देखे जितने बड़े साइज़ का ये वॉशरूम है। बीच में एक झरने वाली टाइल भी लगाई हुई है इसमें, तो बाथ टब भी इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये कॉमन भी है और अटैच्ड भी है, ये वाला जो वॉशरूम आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े साइज़ का है, ये लगभग 10 फीट के आसपास होगा, इसमें 10x8 के आसपास होगा ये। तो साइज़ बहुत अच्छा है, बेडरूम साइज़ भी अच्छे हैं। तो आपने टोटल देख लिया, उधर एक बेडरूम, इधर एक सेकेंड बेडरूम, ड्राइंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस। इसके अलावा यहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे, मंदिर के बगल पे जो डोर था उस डोर से इसकी एंट्री है दोस्तों, इस घर की फर्स्ट फ्लोर की, और फर्स्ट फ्लोर पे आप इजीली पहुँच जाएंगे। जो ये वाला आप डोर देख रहे हैं, इस डोर से आप अंदर पहुँचते हैं, ये मेन एंट्री है। अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड बेडरूम पे। थोड़ा बहुत पेंट वर्क है तो वो आप करा सकते हैं अपने एंड पे, इंटीरियर पे थोड़ा बहुत आपको पेंट वर्क कराना पड़ेगा। तो थर्ड बेडरूम है, इसका वॉशरूम यही है जो कॉमन वॉशरूम है, इसमें इंडियन सीट लगी हुई है, तो इन्होंने भी स्टोर के तरह यूज़ में लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा सामान उन्होंने इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जब आप छत पे चलेंगे, इसके ऊपर इसकी छत है, छत में टाइल वर्क किया हुआ है, उसके साथ ही शेड लगाया हुआ, पूरे छत को कवर किया हुआ ताकि टेम्परेचर आपका बैलेंस रहे, एकदम से गर्मी ना हो। हालांकि AC भी लगाई हुई है लेकिन गर्मी में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो आपको एक ठंडक भी देता है। और 2 बेडरूम सेट बनाया हुआ है तो उसमें भी आप रेंटल जनरेट करते हैं, ओनर ऑलरेडी उसमें रेंटल जनरेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि 2 बेडरूम सेट आपको ऊपर छत पे मिल जाते हैं, तो वो एक ही फैमिली को आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें वॉशरूम एक के साथ में ही आपको मिलता है और पूरा छत आपका खुला है। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप उसमें, जैसे सोलर का आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप सोलर पैनल लगा सकते हैं पूरे शेड के ऊपर। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी ओपन होती हैं जब आपके पास में लैंड रहेगी, तो कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक बार मैं पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल समराइज़ करा देता हूँ। जैसे आप नीचे के फ्लोर में एंटर करते हैं तो आपको 2 गाड़ी की पार्किंग मिलती है और 4-5 स्कूटी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम मिलते हैं, जो सेट आपने ऊपर देखा एज इट इज़ आपको नीचे भी मिलता है। फर्स्ट फ्लोर पर जब आप आएंगे तो आपको टोटल यहाँ पे 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम इसमें भी मिल जाते हैं। आगे आपको बालकनी का सेक्शन मिल जाता है। छत पे आपको 2 बेडरूम और 1 वॉशरूम, तो टोटल 8 बेडरूम और 7 वॉशरूम आपको मिलते हैं। 2 किचन आपको मिल जाते हैं इसमें ऊपर और नीचे, और छोटा सा पेंट्री ऊपर बनाया हुआ है तो उसको आप किराए के लिए दे सकते हैं, उसमें भी एक किचन है, तो टोटल 3 हो गए इसमें। मंदिर स्पेस ऊपर भी है और नीचे भी है, और 311 गज है, 40x70 इसकी डायमेंशंस हैं। गेटेड सोसाइटी में सामने आपको 26 फिट की सड़क मिल जाती है, तो आप एक फ्लोर और पूरा बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बीम कॉलम का स्ट्रक्चर है तो आप इजीली इसमें बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रॉपर्टी की एज कितनी है, तो लगभग 10 से 12 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, और
आप इसमें थोड़ा बहुत पेंट वर्क करके इसको बिल्कुल अपनी तरह ब्रांड न्यू करा सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, जो आप जैसा आप चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत मेंटेन की हुई है अपनी तरफ से, कई सारी चीज़ें उन्होंने इसमें कर रखी हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। मेरा नाम है योगेश कपूरवान, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 2050। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।